आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। मेहरबान साहिबान कदरदान, मेहरबान साहिबान कदरदान, बच्चे बूढ़े और जवान, बच्चे बूढ़े और जवान, सभी मिलकर देना ध्यान, आजादी का जुनून चढ़ा है परवान, आजादी का जुनून चढ़ा है परवान, 75 वर्षों का उत्सव और घर घर तिरंगा है अभियान, 75 वर्षों का उत्सव घर घर तिरंगा है अभियान। आए हैं यहाँ खास अति खास मेहमान, आए हैं यहाँ खास अति खास मेहमान। अरे ओ जमुरे, आज आजादी के इस अवसर पर हम सबको क्या खिलवाएगा? तो बता क्या है तेरी झोली में आज, तो बता क्या है तेरी झोली में आज, खोल दे तू सब सबके सब के सामने ये राज। बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ, अभी अमृत देवी को कहाँ से आई है ये देवी, कहाँ से आई है ये देवी, कहाँ को जाएगी ये देवी, कहाँ को जाएगी ये देवी, ये अमृत किसे पिलाएगी ये देवी, ये अमृत किसे पिलाएगी ये देवी। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, किस बात का ये जश्न हो रहा है? दिलों में बसा एक सपना था आजादी के मतवालों का, दिलों में बसा एक सपना था आजादी के मतवालों का, जश्न है ये भारत के आजाद 75 सालों का। पहले ही प्रयास में मंगलयान को मंगल ग्रह तक पहुंचाया, सबसे कम लागत में चंद्रयान को बनाया, आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया, एनडीए और फौज में लड़कियों को दाखिल कर, हर क्षेत्र में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया, सामान्यता आत्मनिर्भरता लोकतंत्र इन तीनों में से भारत में क्या नहीं आया और हम कह रहे हैं 75 सालों में क्या हासिल कर पाया। अरे भाई इनकी ये बड़ी बड़ी बातें छोड़ना यार, अब चलते हैं। चलते आप लोगों से मैं पूछती हूँ, क्या यही आजादी का मतलब है, क्या यही आजादी के मायने हैं? मंगलयान को तो मंगल ग्रह तक पहुंचा दिया पर क्या लोगों के घर आकर मंगल कर पाए, चंद्रयान तो बना पाए पर क्या आम जनता की सोच को ऊंचा कर पाए, आदिवासी महिला को राष्ट्रपति तो बनाया पर क्या उन 40,000 पीड़ित औरतों को न्याय दिलवा पाए, एनडीए में लड़कियों को दाखिल तो करवाया पर उन छोटे बच्चों को फैक्ट्री से निकालकर स्कूलों के गेटों पर पहुंचा पाए। और तुम स्वतंत्रता की बात करते हो, ऐ मेरे दोस्त जरा फिर से सोचो, क्या इंसान सच में स्वतंत्र बन पाया? तो आप सभी के लोगों के सामने पेश है आजाद भारत का नुक्कड़ नाटक। मुझे नहीं चाहिए फूल। अरे साहब ले लो, आपकी बीवी को चाहिए। तेरे समझ में नहीं आता, मुझे नहीं चाहिए फूल। अरे साहब मेरी रोजी रोटी के सवाले ले लीजिए। अरे साहब फूल ले लीजिए फूल। चल दूर हट। अरे तुम जैसे गरीब और छोटे लोगों की बस यही दिक्कत है, तूने मेरी सारी गाड़ी खराब कर दी, चला गया था, मुझे नहीं चाहिए फूल। पिछले
75 सालों में भी हम अमीरी और गरीबी के भेदभाव को खत्म नहीं कर पाए। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। मैं आप सबसे पूछती हूँ, क्या यही है आजादी? कोरोना काल में तो यही अमीर गरीब लोगों के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड करते थे, क्या यही है आजादी? तो आइए आप लोगों को ले चलते हैं नई पीढ़ी की ओर जो तेजी से बढ़ती जा रही है मोबाइल और सोशल मीडिया की ओर। जो युवक पहले खेलते थे मैदान में, वो आज लग रहते हैं पबजी और इंस्टाग्राम में। स्मार्टफोन बन गया है इस युग में इतना खास अगर फोन हो हाथ में तो हम रहते हैं ठीक ठाक। सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई, मुझे सांस आई। बेटा, अरे ओ बेटा सुनो ना बेटा, कुछ खाने को दो बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो बेटा। अरे छोड़ ना यार, खाने को कोई और भी दे देगा, हम तो सेल्फी लेते हैं। ना जाने क्या हो गया इन आजकल के बच्चों को, फोन के साथ सेल्फी तो ऐसे लेते जैसे इनके मुंह को लकवा ही मार गया हो। बेटा बेटा तुम तो सुनो बेटा, खाने को दो बेटा। अरे ना जाने क्या हो गया इन बच्चों को, कि ऐसे ही अगर खेलेंगे पबजी तो आगे चल के बेचेंगे सब्जी। बेटा अरे बेटा तुम सुनो बेटा, बेटा सुनो। यार तूने वो लेने वाली चीज देखी है, क्या नाम है उसका? हाँ मैंने देखी, बहुत अच्छी है वो। अरे ये कौन सी वेब सीडी की बात करते हैं, हमारे जमाने में तो सांप सीडी हुआ करता था। बेटा बेटा सुनो बेटा, कुछ खाने को। क्या यार दादाजी, एक तो पहले से मूड खराब था और तुमने मूड खराब कर दिया। बेटा बेटा तुम सुनो बेटा, बेटा दादा, बेटा दादा, अरे बेटा सुनो दादा, तोड़ पे तूने दादा, सुबह से कुछ नहीं खाया दादा मैंने। अरे बड़े से दादा तुम तो, अरे चले यहां से जा, सुबह से मूड खराब आ गया यार। तो देखा आप लोगों ने, ये आजकल के बच्चे अपने तो संस्कार तो भूल ही गए हैं, क्या यही है आजादी? सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई। क्या यही है आजादी का मायने, क्या यही है आजादी का मतलब? हमने इस आधुनिक काल में अपने आप को मोबाइल और सोशल मीडिया में कैद कर लिया है। क्या यही है डिजिटल इंडिया, क्या यही है डिजिटल इंडिया जहां मोबाइल हाथ में आते ही हम बाहर की दुनिया को भूल से गए हैं? क्या मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या यही है आज़ादी? हमारे यहाँ आज भी बच्चों को रैगिंग और बुली किया जा रहा है। तस्वीर भी वो धुंधली सी हो जाती है। पुरानी तस्वीर भी उस धुंधली सी पड़ जाती है जब रेलिंग और बुलिंग जैसे घटना किसी बच्चे के साथ घट जाती है। एक मिनट रुको भाई, ये बुली क्या होता है? भाई तुझे बुली नहीं पता, मैं बताता हूँ। जैसे इंग्लिश में बैल को बुल कहते हैं, वैसे इंग्लिश में बैल की लुगाई को बुली कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, आओ मैं तुम्हें बुली का मतलब समझाती हूँ। हम
आंधी हम तो है तूफा, हम तो है आंधी हम तो है तूफा, हम तो है आंधी हम तो है तूफा, दादागिरी किसी की चलेगी ना यहाँ, दादागिरी किसी की चलेगी ना यहाँ। क्या वो भाई क्यों परेशान है? भाई ये एग्जाम आ रहे हैं, बोर्ड आ रहे हैं, इसी की टेंशन में बैठा हूँ। अरे यार तू क्यों टेंशन ले रहा है? टेंशन बिल्कुल ही मत ले, तू बिल्कुल ही मत ले, तू ले सिगरेट पे सिगरेट। अरे धुआं निकाल यार, सब खत्म हो जा दे राणा वाड़ा। देखा हानिकारक होती है, मैं भी नहीं पीता तू भी मत पी कर। भाई भाई ये नहीं पिएगा तो दूध पीता बच्चा, दूध पिलाओ दूध। बिल्कुल सही कह रहे हो, तो बिल्कुल सही भाई, मीठा है मीठा, जय जले मिला खिला दे और बहुत मीठा है। एक बार खुले, एक बार बताऊं तुम्हें, एक बार उंगली कट गई थी, उंगली तो खून की जगह चाशनी निकली, चाशनी बिल्कुल मीठा है, ये भी खिला दे गई, थोड़ा बहुत चिकना पड़ जाएगा। भाई मुझे परेशान मत करो, छोड़ो। तो देखा आप लोगों ने, हमारे यहाँ बच्चों को आज भी रैगिंग और बुली किया जा रहा है। अंग्रेजों से तो आजादी मिल गई, अंग्रेजों से तो आजादी मिल गई, पर पता नहीं इन जैसे कैदियों से कब आजादी मिलेगी। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, रिश्तों का यह मान न होगा, बात बात पे मात पिता को, बेटा आंख दिखाएगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या यही आज़ादी? हमारे यहाँ आज भी बुजुर्गों को उन्हीं के घर में किसी न किसी बात पर उनके साथ मारपीट की जाती है, क्या यही आज़ादी? हम आज आज़ादी का महापर्व मना रहे हैं, पर क्या हम पूरी तरह से आज़ाद हो पाए हैं? तो आइए हम भारत को आत्मनिर्भर और सशक्त एवं समृद्ध बनाने का प्रण लेते हैं। देश का पूरा सम्मान करना होगा, करना होगा, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना होगा, रखना होगा, नारी का पूरा सम्मान करना होगा, करना होगा, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना होगा, रखना होगा, संस्कृति का पूरा मान करना होगा, करना होगा, कर्तव्य का पूरा मान करना होगा, करना होगा, माता पिता का पूरा सम्मान करना होगा, करना होगा, देश प्रेम को सबसे ऊपर रखना होगा, रखना होगा। इसीलिए कहते हैं हमको, हो मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज़ है।